अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो ये लेवल पे कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में भी एक अच्छी खासी मजबूती दिख रही है। तो उसमें इसके साथ एचडीएफसी बैंक में भी मजबूती दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक या दो बैंक में मजबूती दिख रही है, यहाँ पे जो फ्रंट लाइन की तीन बैंक है उसमें तीनों में मजबूती दिख रही है। इसमें हम लोग जो पिकअप करना चाहेंगे ये लेवल पे, वो आपको थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई बैंक की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत ही स्ट्रांग इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ से अगर पोर्टफोलियो के लिए भी पिकअप करना है तो ये स्टॉक आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो ये लेवल पे थोड़े से लोअर साइड के है, 898 के स्टॉप लॉस है, हार्डली 5% के स्टॉप लॉस है। और ऊपर में जो मूव आ सकता है यहाँ से वो एक बेहतरीन मूव होगा। अगेन अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक पहुंच चुका है तो ऊपर का साइड प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक कंसोलिडेशन के बाद, एक ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद आईसीआईसीआई बैंक ऊपर में निकल रहा है, तो यहाँ से एक मिनिमम जो टारगेट होगा वो 10 से लेके 15% का अपसाइड का टारगेट होगा। वो हिसाब से हम लोग जाते हैं तो 1100 से लेके 1200 के टारगेट आईसीआईसीआई बैंक में बनते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। तो ये फ्रंट लाइन में ये दो स्टॉक्स अभी हम लोगों के रडार पे है। ये फ्रंट लाइन में ये स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं और मार्केट को अगर ऊपर में सस्टेन करना होगा तो कहीं ना कहीं हेवी वेट से पार्टिसिपेशन हम लोगों को देखना जरूरी है। तो ये हेवी वेट से पार्टिसिपेशन हम लोगों को आते हुए दिख रहा है। जी, तो ये है हेवीवेट पार्टिसिपेशन और कुछ एक सेक्टर्स और कुछ एक स्टॉक्स जहाँ पे नजर है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में बढ़िया तेजी दिख भी रही है और उसके अंदर के भी कुछ बड़े जो प्लेयर्स हैं, और आईसीआईसीआई बैंक आपके सामने स्क्रीन पे आज भी बढ़िया 1% की तेजी से, तो 1% से ज्यादा की तेजी के साथ में काम कर रहा है और आगे का भी रास्ता विशाल सर कह रहे हैं कि बढ़िया है। ठीक है और एक विशाल चीज सर। बताना भूल गया मैं जी अलेक्स जी जी, अपने डिस्कशन में एक चीज रह गया। नॉर्मली जब ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है, स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो एक या दो दिन स्पेसिफिकली देखने लायक होते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कल भी क्रॉस होने के बाद एक सप्लाई आया था, आज भी ऊपरी स्तरों पे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मार्केट जाने से कतरा रहा है। क्योंकि अगर ये 2 बजे तक यही एनवायरनमेंट रहा और मार्केट ये लेवल पे सस्टेन कर गया तो लास्ट 1-1.5 ओवर में हम लोग शार्प रिकवरी मार्केट में देखेंगे, जो शॉर्ट रिकवरी होगी। तो यही हम लोग कहीं ना कहीं 18,800 के लेवल के करीब अगले आगे आने वाले 2-3 दिनों में जाते हुए देखेंगे। और ये जो शॉर्ट रिकवरी रहेंगी मोटा मोटी शार्प रहने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अचानक से एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉशियसली ध्यान देना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर कोई शॉर्ट ट्रेडर है स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। अगर आपको 1-1.5 बजे के बाद एक शार्प मोमेंटम ऊपर में आते हुए दिख रहा है तो आपकी शॉर्ट एग्जिट कीजिएगा, शायद से मार्केट नई ऊंचाइए ऊंचाइया छूने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये है, तो ये क्या क्या सावधानियां और क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि है अनचार्टेड टेरिटरी अल्टीमेटली, तो वहां पे बाजार के अंदर में क्या किस तरीके से काम किया जाता है वो बता रहे हैं।